आए हुए समस्त महानुभाव और हमारे सिक्योरिटी के विशेषज्ञ, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सत्र का विषय है नेशनल सिक्योरिटी। और नेशनल सिक्योरिटी की परिभाषा में इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों आते हैं। डोवल साहब ज़रूर अपने उद्घोषण में ज़रूर कुछ इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बोलेंगे, पर मैं भी उसके ऊपर कुछ छूना चाहूँगा, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी एक कॉइन के दोनों फेसेस होते हैं और इनको अलग करना बड़ा मुश्किल है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सिक्योरिटी। मुझे 15 मिनट का समय बताया अध्यक्ष महोदय ने, इसलिए मैं संक्षिप्त रूप में 10 मुख्य बिंदु इस विषय में रखना चाहूँगा संक्षिप्त रूप में। मैं यहाँ से ये शुरू करूँगा कि जब मैं एक डिफेंस के सेमिनार में सिंगापुर गया तो आखिरी दिन मैं एक रेस्टोरेंट में गया था चाय पीने और मैं अकेला बैठा था। फिर एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। मैंने कहा ज़रूर बैठिए। तो बातों बात में मैं ये पता चला कि वो पाकिस्तान के हैं। तो हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग पहले एक थे, हमारे कस्टम्स और रिचुअल्स भी एक थे, हम लोगों को एक मिलजुल के रहना चाहिए। तो उन्होंने एकदम तराक से कहा कि देखिए ये संभव नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे देखिए हम लोगों का जो बंटवारा हुआ वो हो गया, आपने बांग्लादेश भी हमसे छीन लिया, अब हम कश्मीर किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है। और मैं इस बात से को दोहराना चाहूंगा क्योंकि ये एक जो साइकोलॉजी है पाकिस्तान की, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर इफेक्ट कर रही है और इंटरनल सिक्योरिटी पर भी इफेक्ट कर रही है, एक मुख्य बिंदु है उनकी जो साइकोलॉजी है कि आपने हमारे देश का बंटवारा कर दिया, अब हम कश्मीर नहीं छोड़ेंगे किसी हद तक, ये एक उनका डिटर्मिनेशन है। इस बैकग्राउंड में हमें देखना है कि जो हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी इफेक्ट हो रही है पाकिस्तान की ओर से और उनके दोस्त जैसे चाइना हैं उनकी ओर से, तो उसको किस तरह हम डील करें। अब हम मैं प्रॉब्लम इसको थोड़ा समझाना चाहूँगा। ये तो बात सबको मालूम है कि 10 साल पहले इंडिया की जो मिलिट्री सुपेरियोरिटी थी, अगर पाकिस्तान का एक दिया जाए तो पाकिस्तान इंडिया की सुपेरियोरिटी 1.8 थी, पर चाइना की मदद से और जो अमेरिका मदद कर रहा है, अब हमारी जो सिक्योरिटी जो इस समय पोजीशन है वो 1:1.3 है, अंतर कम हो गया है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने जो डिफेंस फोर्सेस है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है पूरा मीट करें, क्योंकि एक तो ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो सुपीरियरिटीज कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमारी हरदम रहनी चाहिए। और इसलिए आवश्यक है कि रक्षा का बजट भारत का और जो रक्षा जो हमारे फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स हैं वेपन्स की, वो हम पूरी तरह से पूरा करें और उनको संतुष्ट रखें। पाकिस्तान ये रियलाइज करता है, उसको महसूस है कि ये कभी भी भारत पर आक्रमण करके उसको ज़मीन उसकी लेना या कश्मीर को लेना असंभव है। इसलिए अब पाकिस्तान जो अपनी नीत बनाए वो है, वो ये है कि एक तरह से सुपीरियर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस समय कर रहा है। और इस वॉरफेयर में इनकी मुख्य नीति ये है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको हम इंटरनल सिक्योरिटी में बांध लें, जिससे कि बॉर्डर पर
हमारे जो जितनी शक्ति होनी चाहिए उसको हम कम कर सकें, ये पाकिस्तान की नीत है। और इसी लिए जो हमारे जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और ये मांग आती है, और मैं पूर्व रक्षा सचिव की तौर से आपको बताना चाहूँगा कि हमको रिजिस्ट करना चाहिए, ये हमारी जो मांग आती है समय समय पर कि डिफेंस फोर्सेस को यहाँ भेज दीजिए कंट्रोल करने के लिए, डिफेंस फोर्सेस को यहाँ कम्युनल झगड़ा चल रहा है यहाँ भेज दीजिए, इसको रोकना होगा, क्योंकि अगर डिफेंस फोर्सेस टाइट डाउन हो जाएंगी तो हमारे जो एक शक्ति है डिफेंस फोर्सेस की वो कमज़ोर होगी। दैट इज पॉइंट नंबर वन। और आज देखिए पाकिस्तान ने ये हालत कर रखा है कि चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे हो, चाहे दिल्ली हो, जगह जगह हमारी पुलिस का डिप्लॉयमेंट एक एक चप्पे चप्पे पर करना हमें मजबूर कर दिया उन्होंने। तो हमारी पुलिस फोर्स भी टाइट डाउन हो गई है, मांग आती है डिफेंस फोर्सेस की, तो हमें रिजिस्ट करना चाहिए। दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है एक और डिप्लोमेटिक खेल खेल रहा है, वो ये है कि चाइना तो उसके साथ है ही, अमेरिका जो एक नया दोस्त बना है भारत का, उसको भी इस तरह उपयोग करे कि जो उससे तो शक्तियां और जितनी वेपन्स हैं, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं या फायरिंग के वेपन्स हैं, आर्टिलरी है, उसका उपयोग करके ये दिखाते हुए कि वो अफगानिस्तान में मदद कर रहा है यूएसए को, उस तरह से ये फोर्सेस को अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं पाकिस्तान। हमें ये देखना है कि किस तरह हम इस डिप्लोमेसी को हरा सकते हैं, और ये तभी संभव है जब हम ये महसूस करवाएं अमेरिका को कि उसकी जो नीति है अफगानिस्तान में वो तभी कार्यान्वित हो सकती है जब भारत के साथ वो संबंध हो। इसलिए ये आवश्यक है कि एक्सटर्नल फ्रंट पर अमेरिका और इंडिया एक ही नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे कॉमन एनिमीज हैं, चाहे तालिबान हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे जो आपका इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हो, उसको रोकने के लिए हमें विली नीली, चाहे मजबूरन हो, चाहे एक कॉन्शियस पॉलिसी हो, हमें उसको साथ रखना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आज भारत चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरा हुआ है जिस पर हम लोग एतबार नहीं रख सकते। पाकिस्तान तो है ही, न्यूक्लियर पावर है, चाइना हमारे बॉर्डर्स पर है, वो भी न्यूक्लियर पावर है, नेपाल में कुछ दिन पूर्व माओइस्ट पावर में आ गए थे, वो भी घेरे हुए थे, अब भी वो बहुत शक्तिशाली है नेपाल में, बांग्लादेश में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है ही, श्रीलंका में जो हमारे श्रीलंकन्स हैं, सिनालीज हैं, दूसरी तरफ हमारे भारत के टामिलियंस हैं, हम लोग टामिलियंस को सपोर्ट करते हैं, उसको भी हमें मद्देनज़र देखना है। तो ये हमारे चारों तरफ हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि भारत इंडिपेंडेंटली इतना पावरफुल हो कि चारों शक्तियों का सामना कर सके। और न्यूक्लियर पावर तो हम लोगों को, जब भी हमारे एटॉमिक पावर ब्लास्ट हुए 1998 में पोखरण में, एक सुपेरियोरिटी मिली और हम लोगों को न्यूक्लियर वेपन्स के मिले, पर पाकिस्तान जो है एक तरह से नकली न्यूक्लियर पावर है, इसकी कोई अपनी ओरिजिनल रिसर्च नहीं है जिसके आधार पर इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, चाइना की मदद से या एयू खान ने अपने न्यूक्लियर सीक्रेट्स चोरी करके अमेरिका से, इसलिए वो अपने एटॉमिक वेपन्स उस तौर पर बना सका। हमारे डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आधार पर हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग अपने अपने पैरों पर ये डिफेंस रिसर्च को सपोर्ट करते हुए, उसको स्ट्रेंथन करते हुए, अनिल जी भी यहाँ हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने एटॉमिक वेपन्स का ब्लास्टिंग का देखा है, इन ऐसे विशेषज्ञों की मदद से हम अपने आप को और शक्तिशाली बना